अभी जो 14 फरवरी का दिन गया है, कुछ लोगों ने इसे बहुत ही गलत तरीके से मनाया है, यानी कि हमारा भारत देश पाश्चात्य संस्कृति के अधीन होकर के इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया है। नहीं, कुछ लोगों ने विरोध करके इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया है। मैं बताना चाहूंगा, मैं आपका गौर इस जगह लाना चाहूंगा कि इस दिन 14 फरवरी के दिन हमारे भारत देश के महान राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। लाहौर में इन्हें फांसी दी गई थी। आइए मैं आपके सामने एक छोटी सी विडंबना भगत सिंह के इतिहास से सुनाना चाहता हूं। जब भगत सिंह की माँ और भगत सिंह जब जेलों में बंद थे, मिलने जाती है, रो रो करके अपने लाल अपने बेटे को समझाती है कि बेटे अपने प्राण को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए भारत माँ के लिए अपनी जान क्यों नौछावर हो जाए। आइए क्या समझाती है भगत सिंह की माँ। एक संदेश देना चाहता हूं एक छोटी सी बात के माध्यम से। और दोस्तों, मेरे पिता कुल बुजुर्गों और अतिथियों, बात अच्छी लगे तो पाली चाहूंगा बात के अंत में। बात क्या है कि दे रहा हूं सीख, अरे दे रहा हूं सीख, अगर मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा, दुश्मन की गोली से मर। मोहब्बत ही करनी है, मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर, जिसका तेरे ऊपर कर्ज है। मोहब्बत ही करना है तो इस धरती से कर, जो तेरा फर्ज है। अगर मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा यह लोक क्या परलोक सुधर जाएगा, फिर ना कोई मजनू किसी लैला पर सैदा होगा और हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। और भगत सिंह की मां समझाती है बेटे को, सुनिए, अरे भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, ओ भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सिंह कदे की खबरा जा तेरा बंद मकान में, ओ भगत सिंह कदे की खबरा जा तेरा बंद मकान में। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बधाई सुनते रहा करेंगे, बधाई सुनते रहा करेंगे। युगो युगो तक तेरी बढ़ाई सुनते रहा करेंगे बेटे। बेटे मरना तो सबको है, मगर मरना अच्छा वही अच्छा जिसको युगो युगो तक याद किया जाए। मरना वो अच्छा नहीं मेरे बेटे जिसको 12 दिन के बाद ही भूल जाए। बढ़ाई सुनते रहा करेंगे, बढ़ाई सुनते रहा करेंगे, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। जय हिंद जय हिंद जय जय, जय हिंद जय हिंद जय जय, जय भारत जय जय।
मोहब्बत होती है। मोहब्बत करने वाले अलग अलग तरीके से करते हैं, मगर कहता हूँ मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा मन। और भगत सिंह की माँ कहती है भला कैसे, अरे हिंद में तेरे गीत सुनूंगी, कद तेरी मां मैं जरूर बनूंगी, कद तेरी मां मैं जरूर बनूंगी। अगले जन्म में मौका मिला तो मेरी तो यही तमन्ना है प्रभु से, तेरे जैसे लाल की मुझे मां बना दे। अगले जन्म मैं फिर जनूंगी, अगले जन्म मैं फिर जनूंगी ऐसी संतान में। अगर बात अच्छी लगी तो अपने बेटे के लिए दोनों हाथ सीधे उठाकर ताली बजाते हुए भगत सिंह कद तेरी मां बना दे, तेरा बंधन मकान में। भगत सिंह कद तेरी मां बना दे, तेरा बंधन मकान में। सोचो पड़े मुसीबत बेटा, सोचो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। भगत सिंह कद तेरी मां बना दे, तेरा बंधन मकान में। बोलिए भारत। विशेष अतिथि जी श्री